हम जा रहे हैं एम्बी वैली। बोले माची को किची कर दो। ये दोनों अपना नाम सिखा रहे हैं उनको। हमने ना गलती से ज्यादा बड़ा घर ले लिया। हम अभी बाहर गए थे तो हमें डर लगने लग गया। और वो कितना डरावना घर है। हेलो जी, वेलकम टू आज चैनल LOL। मैंने बोला आज उठते ही सरप्राइज दे। ये देखो लड़कियां निकल रही हैं, बाय करो। बाय। सो गाइस, आज तो नहीं मतलब रात को प्लान बनाया, क्योंकि पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। गुजरात सरकार की तरफ से हर्ष को सम्मानित किया जा रहा है। पंजाब सरकार मेरी तरफ ध्यान दो थोड़ा। गुजरात वालों ने बुला लिया अपने लड़के को। मैनू भी बुलाओ, मैनू भी सम्मानित करो पंजाब। मेरे पंजाब ने मुझे बहुत प्यार दिया है। सो हर्ष गया है अहमदाबाद और हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के बताऊं। ओके। हाँ, हमने भी अचानक से प्लान बना लिया और हम सब जा रहे हैं। मुझे ब्लॉग का बहुत टेंशन होता है कि मेरा ब्लॉग 7 बजे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे से सब हिल गया था पहले। तो अब शक्ति और यामिन भी हमारे साथ जा रहे हैं। मैंने पकड़ लिया दोनों को, मैंने बोला तुम साथ में ही जाओगे, मेरा साथ साथ में एडिट करोगे। चलो तुम लोग भी चलो। और बूरे का सबसे पहला ट्रिप है। बूरा आज फर्स्ट टाइम घर से बाहर जा रहा है। उसको वैक्सीन पूरे लग गए, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो बस सब लोग नीचे चले गए हैं, मैं भी जाती हूँ नीचे और आपको बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम। सो चलिए जी, हम निकल पड़े हैं। और मैंने कहा था मैंने बोला था कि गाड़ी में बैठ के मैं बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं एम्बी वैली। यहाँ पे तालियां और चीखें होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ कोई ताली ना कोई चीखें कुछ नहीं आई। और मेरे साथ जा रही है ट्विन सिस्टर मेरी, यानी कि मेरी बड़ी बहन, बहुत ज्यादा बड़ी, मेरे से 20-25 साल बड़ी है। ये मर चुकी थी फिर पैदा हुई। फिर भी बड़ी है। और बस चलते हैं, मिस कर रही हूँ उसको। ए मुंडा निकाल कर अंदा जुंडी। हेलो बेटा। माची का है। माची, माची। पिंकी माची। पिंकी, पिंकी। और आज हमारे साथ है नई हमारी मेंबर नरगिस। नरगिस के लिए तालियां हो जाए एक बार। शीला ने आधे मन से बजाई बाहर की तरफ देख के। तो गाइस लोनावला चालू हो गया है और पीछे सब सो चुके हैं। oh, no. और थैले लगाए जा रहे हैं धूप ढकने के लिए। पर ऐसा गाइस कोई ऐसा बाहर नहीं जा रहे, इतनी नहीं रात नहीं हुई, ये टनल में से निकल रहे हैं। और मुझे इतनी भूख लग रही है, भूख के मारे दम निकला जा रहा है। कुछ करो, कुछ सोचो। अब बस थोड़ी देर में फूड कोर्ट आने वाला। संतोष ने हमें कब से उम्मीद जगाई हुई है। संतोष इस वक्त औरतों की बस चला रहा है, जो कॉलेज की बस होती है ना, इसमें सब औरतें हैं। नहीं नहीं नहीं, हैं दो लड़के भी हैं, गोला और अपना ये बूरा, और ये तो चलो है ही, लेकिन औरतें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा औरतें हैं। One hour later. ये होती है ये स्टील का बेटा, स्टील का दिमाग खादा है मेरी बहन ने। अपने दो पराठे घर से लेकर आई है, अचार लेकर आई है, जीना हराम कर दिया। शलगम का अचार है, थोड़ा हिला के ले। कैसे करे यार चलती गाड़ी में। अरे नीचे से शलगम निकाल, कैसे इतने तंग करके मारा हुआ कुत्ता बच्चा सब है हमारे। चम्मच 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 दे चम्मच। ये देखो बुढ़िया हो गया ना, पेंशन वाली है जो वो है। हमारा डिनर हमारा वेट कर रहा है। यार दोस्तों, मेरी बहन कितनी जुल्मी, कितनी पापी है। कहती फड़ला 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 था मतलब होता पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। बस दोस्तों, बस पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर में। तो भाई हम, मुझे लगता है कि टाइम पे ही पहुंच जाएंगे एम्बी वैली। और काफी देर से हम रुके नहीं है। वॉशरूम जाना बेटा किसी को? अगर जाना है तो कहना मत, क्योंकि इधर गाड़ी रुकेगी नहीं। जब हम फूड कोर्ट में रुके थे तो तब बोला था कर लो, आया नहीं। अभी इनके ऐसे ऐसे मुंह हो रहे, कब आएगा दीदी, अब नहीं रोकेंगे, अब होंगे गुर्दे किडनियां खराब। ठीक है, बट मेरी बहन देख रही है लोकेशन और कोई गाना देख रही है अच्छा, क्योंकि एक दो दिन हो गए मेरी बहन की मार्केट में कोई रील नहीं आई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एमबी वैली में हम लोग 2-3 दिन है,
तो पर डे आप 5 रील के हिसाब से 15 रीलें तो बना लेगी, फिर वो धीरे धीरे डालेगी ताकि लोगों को लगे वो एक साल तक एमबी वैली में ही थी। ये देख, और ये मजदूर बच्चा, ये उधर ही उठेगा पहाड़ों में, कितना खुश होगा है ना रूपा दीदी। रूपा भी देख रही है, अगर दीदी 15 रील बनाएगी तो 17 तक मैं भी जाऊंगी। सो आई नो कि आवाज नहीं आ रही, बट फिर भी मैं बोलूंगी क्योंकि हटी गटी है, आपा चढ़े हैं। सो इसमें मैं हूँ और संतोष है, मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन, वैसे तो आपको पता ही होगा, और पीछे वाली गाड़ी में मुन्ना है, यामीन है और शक्ति है और बूरा भी है। जब से बूरा यामीन के पास है शीला को चैन नहीं आ रहा। शीला बूरा बेचैन है कब से, और ये भैया जब से ये सोच रही है तब से ये कॉम्पिटिशन दे रही है, ये भी सोच रही है। चलिए हम पहुंच गए हैं घर में, यहाँ पे हम पहले भी आए, शायद आपने मेरा ब्लॉग भी देखा होगा, बट बहुत रिस्की वाली चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ रिस्क है हमारे बाबू के लिए भी और हमारे डॉगी के लिए भी। ये देखो यहाँ से निकल के जा सकता है, ये सीढ़ियाँ हैं। बाबू और सबसे अच्छी बात ये है कि एक रूम में शक्ति और यामी ने अपना सेटअप कर लिया, बट थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ये देखो ये दोनों ने अलग अलग कर लिया, इधर उसने इधर, इधर का ही करना बाहर का नहीं करना काम, अगर दोनों ने इधर उधर बाद में पता चला हो ये आलिया भट्ट का व्लॉग कर रहे हैं एडिट। सो गाइस ये बंगलो ना आगे से क्या, पहले जब मैं आई थी इसमें 2-3 बार रुके, लेकिन उससे ज्यादा अभी अच्छा बन गया, पूल वूल बना दिया है। और ये है अजय, कल हमें अजय लेके जा रहा है बाहर पिकनिक पे, यानी कि जंगल में जहाँ हम खाना बनाएंगे। जी पक्का जी, पक्का उस जंगल से वापस आएंगे कि नहीं? जी जी आएंगे। ओके ताता तुम, ताता तुम, ताता तुम। सो मैं और रूपा दीदी यहाँ पे पहुँच गए हैं, और मैं रूपा दीदी को पहले ही बता दूँ कि ये जो लकड़ी है, हमारी पिछली नैनी थी वो लकड़ी पे ना पूरे गोले के कच्चे छाप गई थी। oh, no. गीले इसे सुखाए थे और कच्चे छप गए थे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ये ना हो कि अगली बार हमें ये बंगलो ही ना दे। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, इस पे कोई कच्चे मत सुखाना। नहीं दीदी मैं नीचे सुखाऊंगी। मुन्ना ये ना हो कि बच्चे का ना हो, तेरा बड़ा कच्चा छपा हो, बड़ा छोटा कच्चा सब पता चल जाएगा, कोई नहीं होना चाहिए। सबको बोल दूंगी, कहाँ गाँव जा रही हो? अच्छा मैं कह लोनावला गाँव जाके कह रही हो, सुनो 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 साला चांदी चौक सुन लो। बोले पापा कहाँ है? पापा 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 कौन? मासी। अच्छा माची को किची कर दो, बोले माची को किची कर दो। खास समय ऊपर हो तुमने बताया, थैंक यू क्या मांगो छो। जय जय गरवी गुजरात, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मी अपॉर्चुनिटी के तुमने मने अवार्ड आप्यो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हर्ष फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन एंड एफर्ट्स, थैंक यू हर्ष। हर्ष ए देखला अपना मुंडा, बाप को वहां गुजरात में सम्मानित किया जा रहा है, और इधर देखो पापा, बोलो एमबी वैली, लोनावला, माची, दादी, नानी, पापा। बच्चे की जान लोगे अब आप लोग? यार हमने ना गलती से ज्यादा बड़ा घर ले लिया। oh, no. और अब ना हम अकेले अकेले घूम रहे हैं, ये अकेला उधर से आया, मतलब हम थोड़े जन हैं और हमने बहुत बड़ा घर ले लिया, बट मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम इसी घर में आना चाहिए, बट और लोगों के भी साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शक्ति कैसा लग रहा है मुंबई से बाहर निकल के, कुछ अलग लगा? हाँ लगा अलग। वहाँ इतना भीड़ वहाँ इतना भीड़, और यहाँ देखो इतनी खाली जगह है ना कि कहाँ, बहुत ज्यादा बड़ा है यार। यामिन तुमको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। तुमको अपनी बीवी की याद नहीं आ रही?
आ रही है लेकिन नहीं है ना, मन में है आ रही है लेकिन नहीं। कोई बात नहीं, तुम भी लेकर आना छुट्टियों पे यहाँ पर। रात को इस बंगलों में जो पिंक टी शर्ट पहन के लड़की घूमती है ना, और वो भी टी शर्ट जो लंबा होता है। नहीं मत डरो, बहन डर गई, बहन डर गई। ये दोनों अपना नाम सिखा रहे हैं उनको ताकि घर में रोए और इनका नाम बोले। बोले शक्ति का है, शक्ति यामिन का है, यामिन लुक भी देता है। मुन्ना का है, मुन्ना। बोले क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? माछी। यार हम अभी बाहर गए थे तो हमें डर लगने लग गया, बहुत अंधेरा था। मैं आपको दिखाऊं कैसा मंजर है बाहर का। यार वो कितना डरावना घर है, रब्बा। आजा भाई, आजा अंदर। तो गाइस हमने खाना खा लिया, फुल मस्ती फन। और जब हम शाम को आए थे 4-5 बजे, तब हमने चाय पी थी, तब की चाय कैटल में पड़ी है और ये लड़का वो चाय पी रहा है। अबे चाय मांगा था, पानी नहीं मांगा था बे। सो ही इज फ्रॉम अहमदाबाद। तो मैं बता दूं कि जितने भी अहमदाबाद के लोग हैं, आप बताइए प्लीज, क्या गुजराती जो लोग होते हैं, मेरा पति भी गुजराती, मैं खुद गुजराती हो गई हूँ, बट मैं रात को चाय नहीं पीती। ये कौन से गुजराती है, ये कौन से अहमदाबाद है जहाँ पे रात को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सॉरी गाइस, सिर्फ 11:50 हुए हैं, उस वक्त ये चाय पी रहा है और ये सब बैठी हुई है यहाँ पर। शक्ति कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, जगह ही चेंज हुई है, बाकी काम तो वैसा ही है। वही है, तुम्हें तो कमरा भी दिया है ना बेटा, अच्छा गाना लगाया ना तुम्हें। 3-4 बार रूपा दी 10 रुपए दे के गई तुमको, ऐसे नीचे बैठोगी। अच्छा शक्ति भैया से गाने सुनने के लिए, शक्ति भैया से गाने सुनने के लिए बैठी हुई है। नहीं शक्ति भैया काम कर रहे हैं, वो एडिट पे गाने बज रहे थे। तो गाइज मैं इनके मैसेज देने के लिए नहीं बैठी यहाँ पे, मैं बहुत थक गई हूँ। कल हमने सोचा है कि हम बाहर जाएंगे कहीं, वो अजय लड़का यहाँ का है लोनावला का, तो वो हमको जंगलों में लेके जाएगा। हम थोड़ा खाने पीने वाले हैं तो जंगल में चूल्हा वूल्हा बना के खाना बनाएंगे, कल का कुछ ऐसा प्लान है, बट देखो आगे क्या होता है ना शक्ति। बिल्कुल शक्ति कह रहा बंद करो एडिट शुरू करूँ मैं। देखो गाइस बेचारे घूम रहे हैं, फिर भी ये भी बेचारा लगा हुआ, इसने 10 थंबनेल बना के भेज दिए, चाहिए भी नहीं थे इतने, 2 ही मांगे थे, इसने 10 दे दिए। चलिए मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, कल फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। ठीक है रूपा दीदी, कॉपीराइट आएगा, एडिटर साथ ही बैठे हुए हैं, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ, ताकि मैं कुछ भी करो, नो नो कॉपीराइट।